नमस्कार। अधिक सोचना, अधिक चिंता करना, ये जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या ये सही है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा चिंता करके आप अपनी खुशी ही कम कर रहे हैं? हर बार जब आप चिंता करते हैं या अधिक सोचते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी से खुशी और आनंद को कम करते हैं। हम सबको पता है कि चिंता करके कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग को चिंता करने से रोक नहीं पाते। आप यही सोचते रहते हैं कि पहले क्या हुआ था, पास्ट में, भूतकाल में और फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप इस बारे में सोचते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप ये भी सोचते होंगे कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, या आप उनके बीच अपनी जगह नहीं बना पा रहे। कोई लोगों को इस बात की चिंता है कि उनके पास चिंता करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आप चिंता और एंजाइटी की एनर्जी में हैं, तो आज मैं आपको 3 आसान उपाय बताऊंगी। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी सोच या दुनिया देखने का नजरिया बदल सकते हैं। पहला, अपनी चिंता करने के समय को कम करें। ये बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल उपाय है। अगर आप अपने विचारों को दबाते जाएंगे, तो वो और भी पावरफुल हो जाएंगे और ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप हमेशा चिंता करते रहेंगे, तो आप बाकी चीजें कर ही नहीं पाएंगे। आप कुछ समय पूरे दिन में से अपने थॉट्स या इमोशन के लिए रखें, जहां आप सोच रहे हैं या चिंता कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि इस समय के अलावा बाकी दूसरे समय आप चिंता नहीं करेंगे। आप दिन में 20 या 30 मिनट के लिए समय बाजू में रखें, जहां आप चिंता कर रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन साथ ही इस बारे में भी ध्यान दें कि आप अपने विचारों को थोड़ा हल्का कर रहे हैं, लाइटन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को समझाएं कि ये सब विचार हैं, थॉट्स हैं, रियलिटी में कुछ नहीं है। ये विचार बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। इससे आप कम चिंता करेंगे और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। दूसरा, आप हर बुरे ख्याल को सच मत मानिए। एक आदमी की कहानी है, जहाँ पर वो हमेशा ये मानता था कि उसे मलेरिया या डेंगू या ब्रेन फीवर हो जाएगा। उसे लगता था कि बुखार उसके दिमाग तक पहुंच जाएगा और इस वजह से उसकी मौत हो जाएगी। वो हर शाम पूरी दुनिया के बारे में सोचता था। आपको ये सुनकर भी हंसी आती होगी कि कोई ऐसा भी सोच सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं। अगर एक चीज आपके हिसाब से नहीं होती है, तो आप यही सोचते हैं ना कि पूरी ये दुनिया खराब है या इस जिंदगी में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। जैसे हर मच्छर के काटने से आपको मलेरिया नहीं होता, वैसे ही हर मच्छर आपको खत्म करने या दुखी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जब आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, तो खुद को समझाए कि ये असली नहीं है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर है। इसलिए अपने सभी नेगेटिव थॉट्स पे विश्वास ना करें और अपने आप से कहें कि चीजें इतनी बुरी नहीं है जैसी हमें दिखती है। अंत में अपने आप से कहें कि आने वाला कल आज से 1000 गुना बेहतर होगा। आप खुद ही सोचिए जिंदगी कितनी बदल गई है। आपके दादा दादी, नाना नानी जैसी जिंदगी जीते थे, आप अब वैसी जिंदगी नहीं जी रहे। उनकी तुलना में आप अब एक सुकून भरी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आपका जहाँ मन करे आप जा सकते हैं, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं, आपको जैसी जिंदगी चाहिए आप जी सकते हैं। आपके पास आजादी है और चॉइस है, दोनों है, और आज की आरामदायक जीवन शैली भी है जो आपके जीवन को काफी आसान बना देती है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि आने वाला कल आज से बेहतर ही होता है, इसीलिए दुखी, परेशान, उदास, नकारात्मक ना हो। अपने मन में डर, चिंता की जगह उम्मीद, पॉजिटिविटी भरें और हमेशा अच्छा सोचें। खुद से कहें कि मेरा भविष्य अतीत और वर्तमान से बेहतर होगा। ये मंत्र दिन में लगातार दोहराएं और खुद को बेहतर बनाएं। अपने फ्यूचर को उम्मीद, हाई एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ देखें। बस, शुभमस्तु, नमस्कार।